वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। आज हम लोग फिर से बात करने वाले बिग बॉस OTT सीजन 3। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत लोग एलिमिनेटेड हो गए हैं और अदनान 07 भी बिग बॉस के अंदर आ चुके हैं। जी, छपरियों की कमी नहीं थी कि एक और को उठा ले आए। आजकल छपरी भी गुंडे बनने लगे हैं। ये आते ही कटारिया से लड़ने लगे, एलवी शलभ कटारिया से। लफड़ा इक्वल्स टू फेम, ऑडियंस एंड व्यूज, पॉपुलैरिटी। क्योंकि जाओ किसी से लफड़ा कर लो, किसी से कंट्रोवर्सी कर लो, व्यूज तो आने ही आने हैं। चाहे तुम कितने भी छोटे यूट्यूबर हो, चाहे तुम कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, बस लफड़ा किसी एक बड़े या बीच के यूट्यूबर से कर लो, अपने आप व्यूज आएंगे। और यही नहीं, एलविश यादव खुद बिग बॉस के अंदर आए थे, बैठे थे और बातचीत किए थे अदनान 00 आदमी से। तो असल में हुआ क्या, ये आते ही बोलने लगे कि जो कटारिया जो आया है अपने दम पे आया है, अरे एक बड़ा दम पे आया है, आप ही का तो कुत्ता पाला हुआ है, आप सांप का कुत्ता। इन्हें 100 बार समझाएं तो इन्हें ये बैल बुद्धि एक बार में समझते हैं। ये बिग बॉस में आके इन्होंने क्या किया, अरे क्या है ये, एलियन है। इनके गर्दन के बीच में हड्डी नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे होते रहता है। और हम लोग अब बात करते हैं अरमान मलिक पे। जी, इनकी दो दो बकरियां थी, एक बकरी एलिमिनेट हो गई हरकतों की वजह से। अरमान मलिक है वो कैप्टन बने थे बीच में, पर अब कैप्टन है रणवीर अंकल है। रणवीर अंकल का अगर तुम शक्ल देखोगे, ऐसा लगता है कि उनका मतलब क्या जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, झंड हो चुकी है उनकी जिंदगी में, अब कुछ नहीं है, ना कंटेंट है, वो नहाते नहीं है, कुछ नहीं करते, ऐसा उन देखने से ही लगते हैं यार। या उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वो बिग बॉस का नाश करने आ गए हैं। वो कैप्टन अब बन चुके हैं, अब वो भी थोड़ी मोड़ी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, ये शिवानी दीदी का बार बार मिमिक्री निकाल के ये फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस हिसाब से तो मैं भी इनका मिमिक्री निकाल दूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अपने आप को फनी समझते हैं, पर ये नहीं है, ये बेड़िया हैं। लोग आगे बढ़ते हैं शिवानी कुमारी के ऊपर। शिवानी दीदी जो है वो इंटरटेन कर रही है, इंटरटेनमेंट वो दे रही है बिग बॉस के अंदर, क्योंकि अभी जो बिग बॉस चल रहा है उन्हीं की वजह से मेरे हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आप जिनको देखेंगे वो इतना फेक बनते हैं, लेकिन अगर आप शिवानी दीदी को देखें जो अपने व्लॉग में वो दिखते हैं, वो बिग बॉस में भी है। लेकिन यार मान लीजिए कोई रिलेटिव आया आपके घर में, आप नहीं ये झूठ मत बोलिएगा, आप नाटक करते हो कि नहीं करते हो कि हम एकदम साफ सुथरे हैं, लेकिन शिवानी दीदी अरे भैया तमका था पता ही नहीं हमारे, अरे बोलना जरूरी है, हिंदी तो आपको आती ही है। और इतना वो जो चिल्ला के बोलती है, अरे भैया को की काकू, अरे धीरे बोलने में क्या जा रहा है, इसलिए तो झगड़ा हो जाता है घर में। नेजी, इनका खात्मा होने वाला है रैप में, और बाकी बकवास में इनका कोई खात्मा नहीं होने वाला है। ये बिग बॉस में आए हैं उल्टा फुल्टा करने के लिए, खात्मा तो इनका हो ही चुका है रैप में। ये रैप करते क्या है, इनसे जो बोलो घर में वो कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं गई भैंस पानी में। लेकिन अगर रैप करने के बोलो तो आ आ आ कौन तला क्या यार। अगर मान लो बिग बॉस ने बोल दिया कि जाओ नीजी लिविंग रूम के अंदर ताला पड़ा हुआ है उसे लेके आओ, ये बोलेंगे कौन तला मैं ना जानता ताला, अबे चांटे से पड़ेंगे यही। सना मकबूल, हाँ सना मकबूल, दो तो सना है घर में पता ही नहीं चले। एक सना चल गई है जो आला 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 शैतान का साला, वो चल गई है, बस एक सना बची है जिन पे बहुत मीम बन रहे हैं AI वॉइस से, आप जानते हैं। और हम लोग आते हैं अब लव कटारिया के ऊपर और उनके जो दोस्त हैं विशाल उनके ऊपर भी। जी, जो विशाल है वो दोस्तों के बीच में फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए कि अदनान 07 उनका बेस्ट फ्रेंड बस ऐसे ही बोल के आया है क्योंकि उनको जीतना है बस वाइट कार्ड। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एलविश यादव भी है, अरे मैं फुकड़ा इंसान का सपोर्ट करने आया हूँ, लेकिन ट्रॉफी लेके चल गए। और फुकड़ा इंसान को भी जब जीतने के बाद इतना ट्रोल किया उन्होंने इंस्टाग्राम में, ऐसा कौन सा दोस्त करता है वहाँ बिग बॉस में, तो अरे भाई मैं तो अपना ट्रॉफी दे दूँ, अरे काहे नहीं दे दिया, फिर बोलना था क्या। कटारिया के बॉडीगार्ड विशाल हैं और कटारिया खुद एलविश यादव के बॉडीगार्ड हैं।
बॉडीगार्ड नहीं कुत्ता। इन्हें कौन समझाए कि ये बेवकूफ, क्या बोलूं मैं, एक से एक फेल बुद्धि आ गए हैं बिग बॉस के अंदर। क्यों ये स्टिंग पीने वाले छपड़ियों को बुला लिया है इन्होंने, क्योंकि यार एक इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैक्स टर्न भी था, आने वाला था, लेकिन वड़ा पाव कल, वड़ा चंद्रिका, वो उसे बुलाने के चक्कर में मैक्सटन को मना कर दिया। उन्होंने देखे क्या गई, निकल गई वड़ा पाव गर्ल, बर्बाद करके चल गई। क्या किया उन्होंने, एक बिग बॉस को वड़ा पाव बना के भी नहीं खिलाया, खाली नाम की वड़ा पाव गर्ल है। बस ये वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, मुझे तो पता है आपको पसंद आया ही होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे वायरल कर दीजिए। अरे प्लीज भाई। तब तक ले, बाय, गुड बाय। Thank you.